अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि फिट फाट और खुशबाश होंगे। मैं हूं इफाम रहमान और आप देख रहे हैं इफाम्स रियल लाइफ। अच्छा यार, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से बोला था ना कि जो है वो काम वाला बंदा छुट्टियों पे गया हुआ है और उसके बाद जो है अब घर में साफ जाहिर है, हफ्ता डेढ़ हफ्ता अगर वो बंदा नहीं आएगा तो साफ जाहिर है सफाई के लिए कहा था कि मैं करूंगा। लेकिन आज जो है मैंने सुबह पूछा मम्मी से, मैंने कहा मम्मी कोई घर का काम काज करने वाला हो अभी कुछ देर पहले नाश्ता करने से पहले, तो मैंने कहा कि जी मैंने तो कल जो है वो थोड़ी सी झाड़ू दे दी थी, तो मैं तो भाई नाराज हुआ हूँ बात है सीधी, क्योंकि डॉक्टर ने इनको मना किया हुआ था कि आपने डस्ट वाला काम कोई नहीं करना, इन्होंने फिर झाड़ू दे दी है, चाहे वो मिट्टी हल्की फुल्की होगी यार लेकिन फिर भी जा सकती है ना नाक में, तो मसला हो सकता है, तो पहले भी एक मतलब एहतियात चल रही है, तो उस वजह से मैं फिर जो है वो नाराज हुआ। मैंने कहा आपने क्यों काम किया, मैंने कहा आप अपनी ऑडियंस के सामने जो है ना वो आपसे नाराजगी का इजहार करते हैं और आपने वादा करना है कि नेक्स्ट टाइम आप नहीं करेंगी, नेक्स्ट टाइम मुझे बताएंगी मैं करूंगा, ठीक है। कल मुझे बता रही थी कि मैंने कहाँ से कहाँ तक सफाई की है, की थोड़ी सी थी लेकिन फिर भी यार एहतियात तो अच्छी होती है ना। ये देखें, ये तो सहन है ना, ये यहाँ से ठीक है, ये वाला बरामदा वहां तक, तो ये इन्होंने जी सारी सफाई की है, ठीक है ना। देखें, और ये बस आप लोग दुआ करें कि कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त हो कि कुकिंग का जो काम है वो भी इनसे छूट जाए। बस दुआ करें कि भाई की जो है वो शादी जल्दी हो जाए टाइम से, तो फिर इनसे ये वाला काम भी छुड़वा देंगे, क्योंकि बेसिकली डॉक्टर ने ये भी मना किया हुआ है, लेकिन घर में हम सिर्फ तीन ही लोग हैं, अम्मी अबू और मैं, तो ये तो फिर एक मजबूरी है, मजबूरी है। और बस मेरा जैसे ही काम थोड़ा सा अच्छा हो जाता है तो मैं कोशिश करूंगा कि फिर जल्दी से यार आपके भाई की जो शादी हो जाएगी उसके बाद ये काम भी छुड़वा देंगे, तो लेकिन बस ये कल ये वाला काम इन्होंने किया। ये देखें, काफ़ी बड़ी जगह है तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा नाराज हुआ हूँ, और क्योंकि यार अब हम खाना पकाने वाला काम भी घर की मासूम से करवा सकते हैं लेकिन वो फिर हमें पसंद नहीं है, क्या आप यार इतनी सफाई या इतनी वो होती है नहीं होती साफ सुथराई, तो वो वाला हमारा दिल मुतमइन नहीं होता, तो हम बाकी के काम काज फिर भी करवा लेते हैं, झाड़ू पोछा और डस्टिंग वस्टिंग ये वो हर चीज़, लेकिन खाना पकाने वाला हम काम नहीं करते। अब मैं लेके जाता हूँ आपको अपनी मम्मी के पास और उनसे पूछते हैं। अच्छा तो तो ये वाला जो है ना वो मुझे इन्होंने बोला है कि रजाई देनी है आपने, ठीक है, सर्दियाँ जैसे आपको पता ही है अब ज़्यादा होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, तो अभी ये देने जा रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि भाई आपने कल सफाई क्यों की है? भाई मैं भूल गई हूँ क्योंकि मैं करवाती नहीं हूँ, बस बचपन में हम करते रह गए। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि आपने काम किया ना, मुझे आपने जो है वो काम किया, मुझे बताएं कि अब आपको जुर्माना है, मुझे 100 रुपया आप दें ताकि आपको 200 तो वहां देख रहे हैं। तो ये वाली सूरत हाल है, तो यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नेचर है, मैं घर में ना हंसी मजाक करता था हूँ इस तरह से, लेकिन कुछ ऐसा पहले हालात कुछ इस तरह से हुए थे कि मैं काफी खामोश हो गया था, मतलब कुछ भी, वो फिर आपको जिंदगी के हालात हैं फिर बताएंगे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से हालात जो है वो बेहतर होते जा रहे हैं। बस एक दुआ क्या करें यार, भाई का कोई ना कोई अच्छा रोजगार लग जाए ना, उसके बाद फिर सारी टेंशन जो है वो दूर हो जाएगी। तो ठीक है यार, ये सारी चीज थी आज की, मैंने कहा आप लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि देखे ना हर औलाद को अपने माँ बाप से जो है वो प्यार होता है, ठीक है ना, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, बहन भाई माँ बाप ये सारे रिश्ते ऐसे हैं कि कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, तो बताना लाजमी था, इनको भी एक तरह का कहना लाजमी था कि यार आप ऐसे ना किया करें, देखें आप हमारे लिए सब कुछ हैं। तो ठीक है यार, अब आप लोगों से इजाजत चाहूंगा क्योंकि मैंने जाना है, अब ये रजाई लेके मैं इसको दे आता हूँ, फिर इसको शायद एक दिन का टाइम लग ही जाएगा, तो कल इसको वापस लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।